राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी चंडीगढ़ आ रहे और उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम 27 सेक्टर के रामलीला मैदान में रखा गया। और भी बढ़िया समय होने वाला है, एक एक वोटर तक जाएं, एक एक व्यक्ति को जाकर जो मैंने आपसे बातें करी हैं उनको जाकर बताएं। क्योंकि मैं जैसा आपने खुद देखा होगा आज यहाँ इंदिरा कॉलोनी में माहौल, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज देश का हर नागरिक अपने आप को मोदी जी का परिवार मान रहा है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ का हर एक नागरिक संजय टंडन जी को, संजय टंडन जी को अपना परिवार मान रहा है। आपने आज देखा होगा माहौल इंदिरा कॉलोनी में जिस तरह से जगह जगह उनको प्यार मिल रहा है, तो हम तो यही उम्मीद है हमें कि बहुत बड़े मार्जिन से संजय टंडन जी जो है चंडीगढ़ से जीतने जा रहे हैं। आज पार्टी ज्वाइन भी की है कई लोगों ने, तो क्या? हाँ जी, यहाँ स्थानीय लोगों ने, कुछ लोगों ने जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है रविंद्र लोहड़ जी हैं, उनके माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो उसके बारे में रविंद्र लोहड़ जी आपको जानते हैं। हाँ, आज कुछ युवा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो देश की सेवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनसे बेहतर शायद कोई पार्टी कर सकती है, इसी करके वो मोदी जी की नीतियों को देखते हुए भाजपा। कितने जने ज्वाइन करके गए हैं ये आज पार्टी को? सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों नीरज जी के साथ सैकड़ों लोग आए हैं, युवा साथी आए हैं, और एक हमारे काका जी हैं इंदिरा ओल्ड इंदिरा कॉलोनी के जितने प्रधान हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, महिलाएं ने भी पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई श्री संजय टंडन जी का वार्ड नंबर 4 की इंदिरा कॉलोनी आगमन पर हार्दिक स्वागत किया गया, हार्दिक अभिनंदन किया गया। लोग बड़े खुश हैं क्योंकि श्री संजय जी को उन्होंने 20 सालों से देखा है, 20 सालों से उन्होंने काम करवाया है संजय जी से। जब मैं यहाँ पर काउंसलर था तो हर एक आदमी वहाँ तक पहुँचा था, और कोई आदमी चाहे किसी पार्टी का भी रहा हो, संजय जी ने सबके काम किए हैं, सब में आर्थिक मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह था। उनके इस उत्साह को देखते हुए संजय जी ने जो काम इस कॉलोनी के लिए किए हैं उन सबको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोग अपनी टीम के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और महिला टीम भी हैं जो शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।